वेल तो सेथ रॉलिंस इज अ ग्रेट रेसलर मैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो वेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैलर ब्लैक से सेथ रॉलिंस कैसे बने, इसकी पूरी कहानी के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि आज हम सेथ रॉलिंस को द आर्किटेक्ट एंड द मसाया के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस बने हैं तो वो कैसे बने, तो पहला इनका नाम बहुत कुछ अलग अलग नाम थे, तो वेल सभी के बारे में जानने वाले हैं। वेल तो जैसा कि हम सेथ रॉलिंस को जानते थे कि सेथ रॉलिंस ने फर्स्ट टाइम डोन्स पब, जहाँ पे मतलब उन्होंने अपना पहला रेसलिंग करना शुरू किया था जब वो 17-18 साल के एज ए टीनेजर थे। वेल तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस फुल्ली वेल ट्रेंड रेसलर नहीं थे, यहाँ पे वो हाफ ट्रेंड रेसलर थे। जहाँ पे उन्होंने ये मैच लड़ा था, वेल वो उनका वो फर्स्ट होम था जो कि डॉन्स पब। वेल वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की जब वो रेसलिंग में मैच लड़ा करते थे, जिसमें वो पहले मैच में वो जीत गए थे। एंड उस समय उनके कैरेक्टर का जो नाम था, वो कैरेक्टर का नाम था जिक्स। वेल जिक्स जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का अर्थ था मैजिक गाय, जो मैजिक करता हो। तो वेल वो ये जो नाम था, ये उनके दोस्त ने उनको दिया था, जो कि उनको बहुत ही कूल लगता था उनके दोस्त को, बट उन्हें उतना कूल नहीं लगता था। वेल तो उसके बाद तो उन्होंने इस नाम को चेंज किया, एंड इस नाम को चेंज करने के बाद तो उन्होंने अपना नेक्स्ट नाम जो रखा था वो था टैज द डिस्ट्रॉयर, जो कि टैज द डिस्ट्रॉयर नाम रखा था इसके बाद उन्होंने। एंड उनको ये नाम भी उतना अच्छा खासा कूल नहीं लगता था। वेल तो जब सेथ रॉलिंस इंडी प्रमोशन में ट्रेन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनके ट्रेनर जो कि डैनी डेनियल्स थे, उन्होंने उनको एक नया नाम सजेस्ट किया जो कि टैलर ब्लैक का, बोला उनको ये नाम रखने के लिए, टैलर ब्लैक नाम रखने के लिए। तो वेल सेथ रॉलिंस ने उनको अपना मतलब ये नाम उन्होंने अपना रख लिया। वेल तो जो टैलर था वो फाइट क्लब के मूवी के हीरो का नाम था जो कि टैलर, तो उन्होंने वहाँ से वो नाम ले लिया। एंड जो वेल जो ये ब्लैक था, इन्होंने हैरी पॉटर के मूवी के कंसेप्ट से वहाँ से कैरेक्टर से उठाया था, तो दोनों नामों को इन्होंने मर्ज कर दिया। एंड मर्ज करने के बाद तो टैलर ब्लैक बन गया। वेल टैलर ब्लैक नाम इनका मतलब ये बहुत ही दिनों तक ये नाम चला था, तो ये नाम जो कि लगभग 6 सालों तक चला था। वेल उसके बाद तो जब जो कि टैलर ब्लैक FCW में आए, FCW से साइन हुए, जो कि WWE की एक डेवलपमेंट टेरिटरी थी जो कि फ्यूचर में जाके NXT बनने वाली थी, तो वेल वहाँ पे हमें साइन करते हुए दिखाई दिए। वेल तो वहाँ पे डस्टिन रोड्स ने जो कि टैलर ब्लैक का नाम बदलकर उनको एक नया नाम दिया, जो कि वो नाम था सेथ रॉलिंस। वेल तो डस्टिन रोड्स ने उनको ये नाम दिया जो कि सेथ रॉलिंस इनका नाम है। तो वेल हम सभी जानते हैं कि सेथ रॉलिंस इनका नाम इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि आज मतलब इनको वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं सेथ रॉलिंस कौन है। तो वेल एज अ टीनेजर मतलब इनका सपना था कि ये भी हल्क होगन एंड द अल्टीमेट वॉरियर जैसे एक बड़े रेसलर बने, जो कि इन्होंने ये करके भी दिखाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज सेथ रॉलिंस कौन है एंड कितने बड़े रेसलर हैं। तो वेल बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट है इनके लिए। एंड इन्होंने मतलब अपने करियर में बहुत ही बेस्ट मोमेंट तब देखा था जब इन्होंने एज अ फर्स्ट टाइम इन्होंने फर्स्ट शो किया था, क्योंकि WWE का वॉर्लन फील्ड हाउस जो कि मॉर्लिन में पड़ता है, मॉर्लिन एलियोनस में, तो वहाँ पर उनको जब फर्स्ट टाइम इन्होंने फर्स्ट एवर इवेंट किया था, तो वेल वहाँ पर इनके मॉम डैड एंड वेल इसके बाद तो इनके हमें ब्रदर भी देखने को मिले थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बेस्ट थिंग थी इनके करियर की। एंड यहाँ पे इनके डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे इस चीज़ को देखकर, वेल जो कि बहुत ही बेस्ट थिंग थी। एंड वेल बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। वेल तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जब भी वो किसी किड को उनका टी शर्ट पहने हुए एंड उनका साइन होल्ड करते हुए देखते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उनको उनके में अपना फ्यूचर दिखाई देता है, जैसे कि वो भी छोटे थे एज अ कोल्बी लोपेज, तो जिनका उनका रियल नाम है। तो वेल तो सेथ रॉलिंस सोचते हैं कि उस किड के अंदर भी कितना पैशन होगा, कि जितना मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर कितना पैशन था रेसलिंग के लिए, तो वेल इस किड के अंदर भी उतना ही पैशन होगा। तो वेल ऐसा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग था कि सेथ रॉलिंस मतलब यार बहुत ही बेस्ट थिंग लगती है सभी चीज़ें। तो वेल आपको कैसी लगी सेथ रॉलिंस की टैलर ब्लैक से सेथ रॉलिंस बनने की कहानी एंड कोल्बी लोपेज से सेथ रॉलिंस बनने की कहानी? वेल अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे बताओ एंड कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी थी। एंड ऐसी और भी वीडियोज़ चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। I played it in a sense of feeling.